हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की जो वीडियो ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भी यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहते हो और आपको ये नहीं पता कि वीडियो कैसे शूट करनी है और कैसे उस वीडियो को एडिट करना है, तो दोस्तों लास्ट तक देखना इस वीडियो को। आज इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि आपको उस वीडियो को कैसे शूट कर सकते हैं, कैसे एडिट करना है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस वीडियो को कैसे एडिट करना है। और वीडियो एडिट करने का बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है वीडियो शूट करने से। मान लो आपने बहुत अच्छी वीडियो बना दी और उस वीडियो को एडिट नहीं किया आपने बहुत अच्छी तरीके से, तो आपकी वीडियो अधिकतर वायरल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सारा खेल एडिटिंग का होता है दोस्तों। आपने एडिटिंग करना सीख लिया ना, तो उस वीडियो को वायरल कराने में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। इसी वजह से दोस्तों कुछ लोग मेहनत तो बहुत करते हैं पर क्या करें, उनको एडिट करना नहीं आता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप उस वीडियो को कैसे शूट कर सकते हैं, वो भी अच्छे तरीके से, और कैसे उस वीडियो को एडिट करना है, और उस वीडियो को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों हमारे चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमको वीडियो शूट करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों अगर आपके पास वे सब चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी बात है, और वो चीज़ें आपके पास नहीं है तो उसका भी आपके भाई के पास जुगाड़ है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है हमारे एक स्मार्टफोन की, क्योंकि अगर हमारे पास एक स्मार्टफोन नहीं होगा तो हम वीडियो कभी नहीं शूट कर सकते। तो वीडियो शूट करने के लिए एक स्मार्टफोन तो होना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है उस चीज़ का नाम है ट्राइपॉड, यानी कि हमारा स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप अपने फ़ोन को किसी ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर वो हिले ना, क्योंकि अगर वीडियो हिलती है तो बहुत यार अच्छा नहीं लगता। तो आप ऐसी जगह चूज़ कर सकते हो जहाँ से कि फ़ोन ना हिले, और वहाँ पर फ़ोन को रख सकते हैं। मान लीजिए आप किसी मेज़ के ऊपर रख सकते हैं, दीवार के साइड में लगा सकते हैं, क्योंकि इससे वीडियो नहीं हिलेगी। तो दोस्तों जो तीसरे नंबर पर चीज़ आती है वो आती है हमारा माइक, क्योंकि अगर हमारे पास माइक नहीं होगा ना, जो हम बोल रहे हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं आएगी, ना ही आप लोगों तक हमारी बात पहुँच पाएगी ठीक तरीके से। क्योंकि हम जब दूर खड़े होकर वीडियो बनाते हैं तो यार इतना तेज़ आवाज़ नहीं पकड़ पाता फ़ोन, तो हमको माइक की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम अपनी वीडियो में माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो काफ़ी हाई लेवल तक हमारी वीडियो बन जाती है। तो दोस्तों ज़्यादा महंगा ना सही, 200 या 300 तक का माइक ले लो, बहुत अच्छा माइक आ जाता है, आप उससे वीडियो बना सकते हो और बहुत ही अच्छी क्वालिटी आती है, क्योंकि मैं अभी तक भी मैं 200-250 तक का ही माइक यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हमको यूट्यूब के लिए वीडियो कैसे शूट करना है और बिना अटके कैसे बोलना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि कोई कितना ही बड़ा यूट्यूबर हो, बिना अटके और झटके लिए वो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि हर बंदा अटकेगा जरूर। तो दोस्तों वो सिर्फ एक ट्रिक लगाते हैं, और उस ट्रिक को आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना अटके झटके कैसे लिए आपको बोल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो वो ट्रिक है चलिए बताते हैं आपको। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो भी अपनी वीडियो में बोलना है, जो भी कुछ बोलना है, आपको एक कॉपी ले लेनी है, कॉपी और पेन, और सारा कुछ उस कॉपी और पेन की मदद से, और सारा कुछ आप उस कॉपी पर लिख लेंगे बिल्कुल A to Z। दोस्तों ये सीक्रेट है, और ये सीक्रेट कोई किसी को नहीं बताता। दोस्तों आज मैं आपके साथ बिल्कुल वो बातें शेयर कर रहा हूँ जो बड़े बड़े यूट्यूबर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोई किसी को यार अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहता, और मैं आपका भाई आपको सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है कि यूट्यूबर कैसे वीडियो बनाते हैं और क्या क्या उसमें एडिटिंग करते हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों जब आप वीडियो शूट करते हो ना, तो आपको करना क्या हो, उस कॉपी को जिस कॉपी पर आपने सारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसको अपने पास में रख लेना है, और करना क्या है, आपको सिर्फ एक लाइन बोलनी है और दूसरी लाइन आपको देखनी है उस कॉपी में, दूसरी लाइन देखने के बाद आपको दूसरी लाइन आपको कैमरे के सामने बोलनी है। और दोस्तों जब भी आप वीडियो शूट करते हो ना, तो अपने फ़ोन के बैक कैमरे से वीडियो शूट करना है, क्योंकि बैक कैमरे की जो क्वालिटी आती है ना बहुत मस्त आती है, जितना आपके असली कैमरे से नहीं आती। और आपको करना क्या है, जो भी आपका फोकस है वो सीधा कैमरे के लेंस पर होना चाहिए, ना कि इधर उधर होना चाहिए, क्योंकि अगर इधर उधर होगा ना तो हमारी जो क्वालिटी है, यानी कि हम जो चेहरा दिखा रहे हैं वो इधर उधर दिखेगा, और वीडियो देखने वाले को वीडियो देखने का मजा नहीं आएगा। तो आपको सीधा लेंस पर देखना है। तो दोस्तों अब हमको सीखना है कि हम अपनी वीडियो को कैसे एडिट करते हैं यूट्यूब की वीडियो। तो दोस्तों चलिए मैं आपको सिखाता हूँ, मैं अपनी वीडियो की छोटी सी क्लिप एडिट करके दिखाता हूँ, और आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे उसमें कट लगाने हैं, कैसे कैसे उसको एडिट। दोस्तों मैं आपको वीडियो को एडिट करके अपने मोबाइल में दिखाऊंगा, ना कि किसी लैपटॉप में दिखाऊंगा, ठीक है? तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर, और हम अपनी वीडियो कौन से ऐप से एडिट करते हैं, तो उस ऐप का नाम है VN एप्लीकेशन, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। तो चलिए करते हैं VN एप्लीकेशन को ओपन। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो हमको करना क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है प्लस का आइकन, इस प्लस के आइकन पर एक बार टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट है, इस पर एक बार टैप करेंगे। टैप करने के बाद वो वीडियो ले लेंगे जो उनसे वीडियो को हमको एडिट करना है।
मान लीजिए मेरी ये वाली वीडियो है, मैं इसको एडिट करना है, तो मैं ये वाली वीडियो सिलेक्ट करूँगा और ये वाली वीडियो राइट क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरी वीडियो ये रही। चलिए मैं आपको एक बार ये दिखाता हूँ कि वीडियो में क्या क्या मिस्टेक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की जो वीडियो ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप YouTube के लिए कैसे वीडियो शूट कर सकते हैं। अगर आप भी YouTube पर वीडियो बनाना चाहते हो और आपको ये नहीं पता कि वीडियो कैसे शूट करनी है और कैसे उस वीडियो को एडिट करना है, तो दोस्तों लास्ट तक देखना इस वीडियो को। आज इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि आपको उस वीडियो को कैसे शूट कर सकते हैं, कैसे एडिट करना है। तो मैंने यहाँ पर अपनी कॉपी खोली और दोबारा से मैंने देख लिया है। देखिए मैं देख रहा हूँ और मैं इस पार्ट को ऐसे डिलीट कर दूंगा कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कुछ यहाँ पर कट भी लगाया, क्योंकि आपने ये वाली क्लिप शुरुआत में देख ली होगी। क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस वीडियो को कैसे एडिट करना है, और वीडियो एडिट करने का बहुत इम्पोर्टेंट भाग होता है वीडियो शूट करने से। मान लो आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, तो अभी जो आपने वीडियो देखा ये मेरी एडिट सिंपल वीडियो है, और ये वाली जो क्लिप है ये आपने शुरुआत में मेरी वीडियो में देख ली होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एडिट करते हैं इस वीडियो को। एडिट करने के लिए हमको सबसे पहले करना क्या होगा, जहाँ से हम बिल्कुल सही तरह से बोल रहे हैं हमको सबसे पहले वहाँ तक जाना है। देखिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं हेलो गाइस, तो हम सबसे पहले इसको जूम कर लो इस लेयर को, ये देखिए जूम इस तरह से करके करने के बाद यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम बोल रहे हैं हेलो गाइस पर एक बार लगाएंगे यहाँ पर कट। लगाने के बाद ये जो उनका फालतू पार्ट है हमारा शुरू वाली क्लिप का, इसको कर देंगे डिलीट। डिलीट करने के बाद ये देखिए हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की जो वीडियो ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूट्यूब के लिए कैसे वीडियो शूट कर सकते हैं। अगर आप भी यूट्यूब करना क्या होगा, जहाँ तक मैंने सही बोला वहाँ तक एक कट लगाऊंगा, जो फालतू का पार्ट है वो बीच का हम उसको डिलीट करेंगे कैसे देखते रहिए बस आप, बिना स्किप के देखना, क्योंकि अगर स्किप करके देखोगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो बिना स्किप करके देखना है वीडियो। ये देखिए ये मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से लगाऊंगा एक, आप भी YouTube यहाँ से, यहाँ पे मैंने एक लगाऊंगा कट। लगाने के बाद अब देखता हूँ कि मैं कहाँ से सही बोलना स्टार्ट किया हूँ। अगर आप भी YouTube ये देखिएगा, तो मैं अगर आप भी YouTube पर वीडियो बनाना चाहते हो, लगाऊंगा जहाँ से मैं शुरुआत में बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। कट लगाने के बाद ये जो उनसे बीच का पार्ट है इसको कर दूंगा मैं यहाँ से डिलीट। डिलीट करने के बाद अब मैं देखता हूँ कि आपको कुछ लग रहा है कि मैंने कट लगाया कि नहीं। ये देखिए ये देखिए चल करने के बाद अब नेक्स्ट कट कैसे लगाना है, चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। और आपको ये नहीं पता कि वीडियो कैसे शूट करनी है और कैसे उस वीडियो को एडिट करना है, तो दोस्तों लास्ट तक देखना इस वीडियो को। आज इस वीडियो में आपको सारी चीजें बता दूंगा कि आपको उस वीडियो को यहाँ पे लगाऊंगा एक कट। कट लगाने के बाद ये देखिए, कट लगाने के बाद अब मैं देखता हूँ कि जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब दोबारा से, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से क्योंकि दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ से दोस्तों बोल रहा हूँ, तो यहाँ से क्योंकि दोस्तों वीडियो बना और कट लगाने के बाद ये जो उनसे बीच का फालतू पार्ट है फिर दोबारा से इसको मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद ये देखिए जो मेरा कॉपी देखने वाला सीन था वो मेरा डिलीट हो गया, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ की थी। ये देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा बैक करके करना है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बना उस वीडियो को कैसे शूट कर सकते हैं, कैसे एडिट करना है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने से ज्यादा अब करने का सबसे पहले एडिट नहीं किया आपने, ये जो एंड स्क्रीन है इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अभी हमको करना क्या है, अगर इस वीडियो के ऊपर आपको कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो चलानी है तो हमको करने का होगा यहाँ पर टैप टू एड स्टिकर और PIB का ऑप्शन है, इस पर एक बार टैप करेंगे, और टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टॉक वाला ऑप्शन है, स्टॉक वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, और कोई या तो फोटो भी लगा सकते हैं यहाँ से, या कोई दूसरी वीडियो है वो भी लगा सकते हैं। ये देखिए मान लीजिए मेरे को ये वाली वीडियो लगानी है अपनी, ये वाली वीडियो लगानी है मेरे को अपनी, ये देखिए इस तरह से उठा के लगा दूंगा, और इसको अगर मुझे छोटा बड़ा करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ से लगा तक हूँ साइड में लगाने के बाद इसकी जो जैसे हमने ऊपर वीडियो लगाई है, अगर इसकी वॉल्यूम कम करनी है तो हमको यहाँ पर इसके ऊपर टैप करेंगे वीडियो के ऊपर, और टैप करने के बाद वॉल्यूम का ऑप्शन है इसको डाउन करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। देखिए अगर इस वीडियो में हम कुछ मोशन लगाना चाहते हैं कि ये ऊपर से आया या नीचे आया, तो मोशन वाला ऑप्शन है यहाँ से, इस पर एक बार टैप करेंगे। टैप करने के बाद ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन आ चुके हैं, अगर हम इस वीडियो को इस तरह से देखना चाहते हैं ऊपर से, ये देखिए इस तरह से हम ये वाला लगा सकते हैं,
अगर इस तरीके से देखना चाहते हैं कि इस तरीके से ये देखिए तो ये वाला लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे इसमें आप जो सा आपको अच्छा लगे ये इस तरह का लगा सकते हैं। देखिए तो हमारा कुछ इस तरीके से पिले हुआ है, ये देखिए किस तरह से आया। अगर हमको इसमें स्टिकर लगाना है, मान लीजिए हमको सब्सक्राइब का या लाइक वाला स्टिकर लगाना है, तो ये देखिए यहाँ पर फिर दोबारा से PIP वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे और स्टिकर वाला ऑप्शन है यहाँ पर एक बार टैप करेंगे, और टैप करने के बाद ये देखिए हमारे सामने बहुत सारे लाइक के, सब्सक्राइब के, कमेंट के, इस तरह के एरो के बहुत सारे निशान आ जाए। मैं आपको एक लगा के दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे को ये वाला लगाना है, देखिए मैं इस पर एक बार टैप करूँगा और टैप करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। आने के बाद ये देखिए अब मैं इसको यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ से लगा दूँगा साइड में। देखिए आगे जाओगे तो यहाँ से लिकट आएगा। देखिए ये देखिए मैं आपको चला कर दिखाता हूँ कैसा आएगा। ये देखिए वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हम इसकी लेंथ बढ़ाना चाहते हैं, आज की जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली। ये देखिए दोस्तों आज की जो वीडियो है अगर हम इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक ऐड करना है तो हमको यहाँ पर टैप टू एज म्यूजिक वाले ऑप्शन पे इस पर एक बार टैप करेंगे, और टैप करने के बाद यहाँ से कोई भी अपना म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। ये देखिए टैप ऐड करने के बाद अगर हमको इस वीडियो के अंदर कोई ग्रीन स्क्रीन वीडियो है और उसको ऐड करना है, मान लीजिए मेरी एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो है ये वाली, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले करने के होगा टैप टू ऐड PIP वाले ऑप्शन पर टैप करना है, और टैप करने के बाद स्टॉक वाले ऑप्शन पर जाना है और कोई अपनी ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो ले लेंगे। चलिए मैं एक स्क्रीन वाली वीडियो ले लेता हूँ, मान लीजिए मेरी ये वाली है। ये देखिए ये मेरी ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो है। ये देखिए पूरी उस पर ही, अगर मुझको छोटा करना है इसका तो टैप टू ऐड PIP पर टैप करेंगे और जो इधर उठा के रख देंगे और इसे थोड़ा सा इधर से साइड में छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद ये देखिए ग्रीन स्क्रीन है अभी, और अब हमको ग्रीन स्क्रीन कैसे भगानी है, यानी कि किसको कैसे इसको रिमूव करना है। तो ये देखिए बहुत ध्यान से, अगर ये पार्ट मिस कर दोगे तो आपको ध्यान में नहीं आएगा और आप सीख नहीं पाओगे। तो हमको यहाँ पर साइड में जाना है। साइड में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्रोमा वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर एक बार टैप करेंगे, और टैप करने के बाद ये जो सा एरो आ चुका है हमारे सामने, इसको उठाकर ग्रीन स्क्रीन वाले ऑप्शन पर लाकर छोड़ देंगे। ये देखिए ग्रीन स्क्रीन हमारी बिल्कुल रिमूव हो गई है। आप चाहो तो यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो। पहली बात तो आपको बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑटोमेटिकली इतना अच्छा रिमूव कर देता हूँ बहुत अच्छे से। तो हमको यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारे सामने ये देखिए ग्रीन स्क्रीन बिल्कुल हट चुकी है। अच्छा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ये चला के। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कहीं भी इसको लगा सकते दोस्तों आज की जो वीडियो है छोटा बड़ा करना है तो इस PIP वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे दोबारा से इस वीडियो में, और इसकी ये देखिए इस तरीके से छोटा कर सकते हैं और कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं जहाँ से आपको अच्छा लगे। ओके गाइस अगर आपको कुछ और एडवांस में सीखना है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में ये वीडियो कैसे एडिट करता हूँ अपनी यूट्यूब की वीडियो, हर एक छोटी से बड़ी चीज़ तक आपको सब चीज़ सिखाऊंगा। बस आपको कमेंट करके बताना है कि आपको सीखना है कि नहीं, फिर मैं आपको इसका दूसरा पार्ट लेकर आ जाऊंगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला ना तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप उस वीडियो का लाभ सबसे पहले उठा पाए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद, गुड बाय।